भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने गोंदिया रोड कोसमी बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने कटंगी मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। बुलेटिन न्यूज बालाघाट में आपका स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार 13 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। इसी दिन पहले और दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होगी और प्रत्याशियों को नामांकन पत्र भी मिलने लगेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मुताबिक बालाघाट जिले में 3 चरणों में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। साथ ही प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्र भी मिलना शुरू हो जाएंगे। पहले चरण में 6 जनवरी को जिले के विकासखंड बैहर, परसवाड़ा, वारासिवनी और खैरलांजी में चुनाव होंगे, जबकि दूसरे चरण में 28 जनवरी को लांजी, किरनापुर और कटंगी विकासखंड में चुनाव संपन्न होंगे। 13 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे चुनाव की अधिसूचना के साथ ही मतदान केंद्रों और आरक्षण की सूची का प्रकाशन भी किया जाएगा। इसी के साथ चुनाव लड़ने के इच्छुक आवेदकों को आवेदन पत्र भी मिलने लगेंगे। पंच, सरपंच के लिए प्रत्याशी अपना आवेदन पत्र AR के समक्ष पेश कर सकेंगे। इसके अलावा पंच, सरपंच के प्रत्याशी संबंधित जनपद पंचायत मुख्यालय के RO के समक्ष भी नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकेंगे। जनपद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले संबंधित जनपद मुख्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन पत्र प्रस्तुत करेंगे। वही जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले कलेक्टर कार्यालय में रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन पेश करेंगे। बैहर क्षेत्र के मंडई पंचायत के बंदनिया में ग्रामीण कबड्डी समिति की ओर से आयोजित टूर्नामेंट का आज समारोह पूर्वक समापन हुआ। इस मौके पर क्षेत्र के विधायक संजय उइके सहित जनपद अध्यक्ष सविता धुर्वे अतिथि के तौर पर शामिल हुए। विधायक ने कहा कि खेल का मैदान नहीं होते हुए भी इस तरह से टूर्नामेंट का आयोजन कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना टूर्नामेंट कमेटी का बेहतर कार्य है। निश्चित ही ऐसे खेल आयोजनों से गाँव में उत्कृष्ट खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे। टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला छत्तीसगढ़ और परसवाड़ा की टीम के मध्य हुआ, जिन्हें अंत में विधायक के द्वारा शील्ड और पुरस्कार वितरण कर सम्मानित किया गया। और एक बार हम को बताएं कि कौन सी टीम यहाँ पे विजय प्राप्त की है। खेल मैदान के इस खेल का आयोजन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। निश्चित तौर पे हमारे युवा खिलाड़ी ऐसे छोटे छोटे आयोजनों से, खेल प्रतियोगिताओं से खेलने का अवसर और उनके खेल में निखार, गुणवत्ता, कला सीखने का अवसर ऐसी प्रतियोगिताओं से मिलता है। और ये सब आप गांव के जितने भी टूर्नामेंट समिति के सदस्य लगातार दे रही हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे गांव-गांव में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए। अन्नदाता किसान संगठन के द्वारा आज विवेक ज्योति विद्यालय के परीक्षा हाल में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान के कोटा से पहुंचे बीज संवर्धन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण मुरारी ने खेती के लिए परंपरागत बीजों को तैयार करने की विधि और पारंपरिक और आधुनिक खेती के माध्यम से उन्नत फसल उत्पादन करने पर अपने विचार रखे। इस मौके पर अन्नदाता किसान संगठन के अध्यक्ष मुरली मनोहर श्रीवास्तव, बाबा उपवंशी, हरीश लिल्हारे, भुवन लिल्हारे सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
ऐसे हमने भिन्न भिन्न प्रकार की भेले सारी 40 बीघा की दीवारों पर एक आदमी इसी के लिए लगाया, केवल बॉर्डर का ही काम करेगा, ग्रिड लगाई हुई है सारी, तो सब दीवारों पर भेले चढ़ाए। ये फ्री की कमाई है, भेलों की कमाई फ्री की हो गई, पेड़ अपनी जगह हो गए, बीच में पपीता हो गया। हमने कहा 5 फुट की जगह जो पपीते के बीच की है ये खाली क्यों है, हमने वहाँ पर नेपियर लगा दिया, नेपियर घास, जंजुआ घास गायों के लिए, उसके बीच में भी हमने वो लगाया। यानी बेल मेड़ के ऊपर ही 4 चीज़ें पैदा हो गई, ये इनकम बढ़ाने वाली है और इससे कोई खर्चा हो नहीं रहा किसी प्रकार का। ऐसा अब फालतू पेड़ लगे हुए सड़क के किनारे फूल के इसके उसके, हमने कहा ये खाली मत छोड़ो, इनके ऊपर भी बेलें चढ़ा दो, उसके ऊपर गिलोई की बेल, मोती बेल, ऊपर अमर बेल, कुछ न कुछ इनके ऊपर डाल दो, ये भी खाली मत छोड़ो, हमने उनका भी उपयोग। इसी तरह से दूसरे सत्र में जन सरोकार कृषक उत्पाद समिति की वार्षिक आम सभा संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर लता एलकर, उपाध्यक्ष अमृतलाल उपवंशी, मुख्य वक्ता भुनानंद उपवंशी, मनोज पटले, अधिवक्ता एवं जन सरोकार के सचिव वढ़न श्रीवास्तव व अन्य मौजूद रहे। आम सभा का उद्देश्य कृषि को उद्योग का दर्जा, अनाज को ऊर्जा का दर्जा और किसानों को उद्योगपतियों का दर्जा प्राप्त कराना है। पारंपरिक और तकनीकी खेती के माध्यम से किसानों को उन्नत कैसे किया जाए, इस विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। बीज का जो लाभ किसने कमाया, मुसारती भाई ने कमाया। उसने क्या काम की कि आपके घर की छोटी 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 उपज को इकट्ठा करके बाजार में ला करके बेच दी। यही काम एफपीओ करता है, यही काम एफपीओ करता है। जैसे हम रवि का नाम, समाज सेवा के क्षेत्र में जिले की अग्रणी संस्था प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के द्वारा शनिवार को वन ग्राम बोदल झोला से विस्थापित होकर बोरबन में बस्ती बसा चुके, शिकार टोला में झोपड़े बनाकर निवास कर रहे आदिवासी परिवारों को कंबल और बर्तनों का वितरण किया गया। इस मौके पर फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेसराम सहित डॉक्टर रमेश शेवलानी, सहयोगी रफी अंसारी, सरपंच उदयराम मात्रे, उपसरपंच पूसाम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। डॉक्टर शेवलानी और उनकी टीम ने बोरबन में दर्जन भर परिवारों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर जरूरी दवाएं प्रदान की। वही टीम के अन्य सदस्यों द्वारा झोपड़ों में खुले आसमान के नीचे जीवन यापन कर रहे आदिवासी परिवारों के बीच में पहुंचकर उन्हें कंबल व बर्तन के तौर पर लोटा, गिलास एवं थालियों का वितरण किया। हम फाउंडेशन की ओर से 12 दिसंबर को जिले के बैहर, बिरसा और दमोह के आदिवासी बैगा मजदूरों को साड़ी, कपड़े और बर्तन सहित कोट, पैंट, कमीज का वितरण किया गया। इस दौरान ग्राम ओदा और टेकारी के ऐसे बैगा मजदूर जो कि ईंट भट्टे में काम करते हैं, उन्हें यह सामग्री प्रदान कर राहत पहुँचाई गई। अरिहंत वस्त्र भंडार के संचालक भारत जैन की ओर से महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए 30 नग शर्ट प्रदान किए गए। इसी तरह से रिटायर्ड आयकर अधिकारी शाखा के उपाध्यक्ष सुभाष गुप्ता के द्वारा आदिवासी महिलाओं और पुरुषों को कंबल और बर्तन प्रदान किए गए। कार्यक्रम में हम फाउंडेशन के अध्यक्ष यूनुस खान पप्पा भाई, सचिव मोहित सैफी, शाखा अध्यक्ष आनंद दुबे, कोषाध्यक्ष सीताराम लिल्हारे, सचिव एजाज खान, बिल्की शेख, प्रेमलता गुप्ता, पंकज जैन, सुबह वैद्य, हाजी फारूक सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। सारे संगठन के सदस्यगण इस शिविर में शामिल हुए हैं। प्रेमलता गुप्ता जी, बिल्किस शेख, मोइज सैफी, एनुल खान, एजाज खान, सरफराज खान, सुरेश टाक, जहीर खान, आनंद दुबे। नगर मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर स्थित शासकीय स्कूल पाथरवाड़ा में आज रविवार को नवोदय जागृति अभियान के तहत बच्चों का टेस्ट लिया गया। बच्चों ने इस टेस्ट में अपना 99% देकर शिक्षा के इस मिशन को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। साथ ही ग्राम के वरिष्ठ जनों ने भी इस कार्यक्रम में योगदान दिया। परीक्षा पर्यवेक्षक के तौर पर सीडी नकपुरे एवं दुर्गा प्रसाद सौलखे, अनुज बसे ने उपस्थित रहे। वही परीक्षा प्रभारी जय मेसराम एवं विजय उके, सुनीता पिछोड़े द्वारा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित किया गया। देखिए, आज जो टेस्ट लिया हमने बच्चों का,
तो उसमें बच्चों के लिए काफ़ी उत्साह और बहुत मनोबल बढ़ा हुआ, बच्चों ने काफ़ी अच्छे से टेस्ट दिया और काफ़ी उत्साह पूर्वक दिया, उनका चित्त मन प्रसन्न रहा और आगे जो परिवर्तन करना चाहिए बच्चों के लिए परिवर्तन करते रहेंगे, जबकि और आगे भी टेस्ट लेते जाएंगे और बच्चों को समय समय पर महीने मंथली टेस्ट दिया जाएगा ताकि उनमें परिवर्तन होते रहेगा, पेपर किस तरह आना चाहिए उन्हें सब इस चीज़ की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी।